गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि निसान मैग्नाइट बेस मॉडल में आपको सिल्वर रिम्स मिलते हैं और ये थोड़े अजीब लगते हैं, तो इसके लिए आपको व्हील कवर्स तो जो है ख़रीदने पड़ेंगे ही। लेकिन व्हील कवर्स लगाने से ही आधा आपको काम पूरा नहीं होता है। देखो, आपका काम पूरा तब होगा जब आपकी जो इसकी रिम है वो आप उसको ब्लैकआउट कर दो, जैसा कि एक्सेल मॉडल में आपको मिलती है। कुछ इस तरह के व्हील कवर्स में लेके आया था क्योंकि निसान मैग्नाइट के आफ्टर मार्केट व्हील कवर्स अभी तक आए नहीं है। जो ओरिजिनल वाले आते हैं जो कंपनी से आपको मिलते हैं, और वो कंपनी वाले काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सी गाड़ी के व्हील कवर से कमेंट सेक्शन में। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का लुक नॉर्मल जो आता है, ये जो है सिल्वर रिम्स है। अगर इस पर हम डायरेक्टली जो है इसको व्हील कवर्स को लगाएंगे तो इतना अच्छा जो है लुक नहीं बैठेगा। देखो, मैं लगा कर दिखाता हूँ। कुछ जो अंदर ये जो मटेरियल ना, ये चमकता है तो ये क्या उभर के नहीं आती है। जो आपकी डिज़ाइन है व्हील कवर्स की, कुछ इस तरह की लगती है। और ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप करो। तो आप ऐसे तरह का स्प्रे लिया ना, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। 180 रुपये का मिलता है ये 400 ml। तो मैट ब्लैक वाला स्प्रे लाना है, या तो आप खुद कर लो या फिर आप किसी से करवा लो, दुकान पे भी आराम से हो जाता है। करने से पहले जो है अपने व्हील्स को अच्छे से साफ़ कर लेना, और इस स्प्रे को लगाने के बाद जब आप व्हील कवर लगाओगे तो कोई दूर से नहीं बता सकता कि आपकी गाड़ी पर व्हील कवर लगे हुए हैं फिर एलॉय व्हील्स। तो स्प्रे करने से पहले इसे अच्छे से शेक जरूर कर ले, वरना स्प्रे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ गैस गैस बाहर आएगी। तो धीरे धीरे हम इसको स्प्रे करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि आगे वाली व्हील्स में डिस्क ब्रेक और उसका कैलिपर रहता है, तो उस पर हमें स्प्रे नहीं करना है, वरना डिस्क ब्रेक आपके मेल फंक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसे कवर करना होगा किसी ना किसी चीज़ से। तो मैं पॉलीथीन ले लेता हूँ जिसमें ये व्हील कवर्स आए थे, इनको इस तरह से अटैच करूँगा इसमें व्हील्स में, इस होल्स में, कि वो जो स्प्रे है वो अंदर एंटर ना हो पाए। तो इस तरह से आप कुछ भी लगा लीजिएगा, पर कुछ ना कुछ लगा कर ही करिएगा, वरना वो जो स्प्रे वो डिस्क कैलिपर पे पड़ेगा और डिस्क वो फिर कुछ मेल फंक्शन। दूसरी तरफ वाले पे भी कर देते हैं फटाफट से। ये लीजिए, तो इस तरफ का भी हो चुका है देखो, और ये थोड़ी सी जो है फिनिशिंग दे देते हैं। A little longer than a few minutes later. तो लगभग 30-40 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब जो है पेंट वो काफी हद तक सूख चुका है, बिल्कुल सॉलिड हो चुका है और हाथ पर भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है पॉलीथीन अपन ने लगाई थी उसके निशान है, इनको भी अब अच्छे से अपन पूरा कर देते हैं। धीरे धीरे करके स्प्रे करना है आपको, तेज़ मत करना वरना अंदर चल जाएगा। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि हम इन व्हील कवर्स को इसमें इंस्टॉल करें। तो व्हील कवर्स को इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, पहले आपको जो है उसे एडजस्ट करना है, उसके बाद इसे ठोक दो। तो व्हील कवर्स को लगाने के बाद देखो यार लुक कार की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कार है जिसमें सिल्वर रिम्स है तो ज़रूर से उसकी रिम्स को ब्लैकआउट करा लेना, उसके बाद में जो है व्हील कवर्स लगाना, बहुत ही शानदार लुक आता है। देख सकते हो यार आप, एक तरह से एलॉय व्हील्स का लाइट वर्जन। हाँ जी, तो देख लिया अब आपने आज की मेरी कलाकारी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, इसी तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट कर देना, मैं होपफुली उनके रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, पीस। Shine.